तुम्हारी ही सरकार, तुम्हारे ही लोग पनाह दे रहे दारू बनाने के लिए, इसीलिए बेचारे गरीब मर रहे हैं। जो बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आता है, ताल ठोकते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। इसका मतलब जहरीली शराब पिलाओ जनता को बचाने के बजाय तुम उसको मार दो। भाई साहब, देश में लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री बनाती है वो जनता बनाती है, जनता ने तय कर दिया तो इसका मतलब लीजिए साहब कह रहे हैं कि जनता ने तय कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मनमोहन सिंह ने क्या नाम है 45 टन सोना विश्व बैंक में रखा था तब जाके भारत में लेके, आज मोदी वहाँ से 1,00,000 टन से ज्यादा सोना खरीद रहा है, वो नरेंद्र मोदी। मैं वार्ड टू से और वार्ड नोट टू से, आप यार क्या बताने, पहले बिहार को बचा ले उसके बाद प्रधानमंत्री का सपना देखेंगे, नहीं तो बिहार वाले भी कह रहे हैं कि बाबा आदित्यनाथ को हमारे यहाँ दे दो। अरे मुआवजा क्यों मिलेगा, जब वो कह रहा है पियोगे तो मरोगे, तो मुआवजा दो तो मानने को तैयार है। जब आपके अंडर पुलिस है, आपके अंडर पुलिस कानून व्यवस्था है, तो क्या वहाँ घंटा बजाने के लिए आप सरकार चल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव, मैं हूं आपके साथ रमन। इस वक्त हमारी मौजूदगी है कनॉट प्लेस में। इस जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पालिका बाजार का एक गेट नंबर 1 है। इस बार मुद्दा हम लेकर आए हैं बिहार में जहरीली शराब का, जहां पर 100 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आता है, ताल ठोकते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। इसका मतलब जहरीली शराब पिलाओ जनता को बचाने के बजाय तुम उसको मार दो, यही तो हुआ। मतलब जनता के पक्ष में, उनके राज में ये शराब जो इधर उधर बन रही है, यूरिया खाद वाली, उससे पियो और मरो, उनको खुशी हो रही है, उनको खुशी हो रही ना, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं। अरे भैया इसे तो भैया खोल ही दो, खोल दो इसे। लेकिन आरोप एक ये भी लग रहा है कि ये शराब उत्तर प्रदेश से सप्लाई हो रही है, तो अपने बॉर्डर पे सैनिक तैयार करो ना, तैयार करो अपने यहाँ के सिपाही को कि उत्तर प्रदेश से माल क्यों जा रहा है, झारखंड से माल क्यों जा रहा है, बंगाल से माल क्यों जा रहा है, सबके साथ नेपाल से माल क्यों जा रहा है, उसको वहाँ पे सख्ती करो ना। तुम्हारी ही सरकार, तुम्हारे ही लोग पनाह दे रहे दारू बनाने के लिए, इसीलिए बेचारे गरीब मर रहे हैं। रही बात मुआवजे की, जो पहले सबको मिलता था, लेकिन इस बार नीतीश बाबू कह रहे हैं कि इस बार मुआवजा नहीं मिलेगा। अरे मुआवजा क्यों मिलेगा, जब वो कह रहा है पियोगे तो मरोगे, तो मुआवजा दो तो मानने को तैयार है। और जो मेरे को ये तो कि यार बॉर्डर में शराब आ रही है कहीं, तो बॉर्डर पे अपना घर क्यों नहीं पक्का करता, ये बताओ। अपना एक्चुअली हुआ ये है कि अब जब से ये तेजस्वी और इसकी सरकार है, वह जंगल राज आ गया, बिल्कुल अब जंगल राज आ गया। अब यही होना, कभी हूज ट्रेजडी होगी, कभी रेप होंगे कुछ। अभी तो ऐसे केस हो रहे हैं साहब, रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं वहाँ पर, लोग डर के मारे रिपोर्टिंग नहीं कर रहे जब से ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना तेजस्वी। अब मेरे को ये बताओ, उसने 1,00,000 नौकरियों को वादा किया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, ठीक है, ये कह रहे हम करेंगे आपको बुरा, अभी तक बता दो क्या कुछ भी एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब ये होता रहेगा, अब ये देखना, ये घूम फिर के फिर जब पासा पलटेगा, ये आने वाले टाइम में नीतीश जो है पासा पलटने वाला है ये, बिल्कुल फिर देखना ये वहीं आएगा, बिन पैंदी का लोटा है ये। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि सरकार नहीं है ना उसकी, आज भी अपनी उस पर तो सरकार नहीं है ना उसकी, उसने कौन सा विधानसभा में आज भी उसके पास कौन सी मेजोरिटी है, हाँ। लेकिन 24 में बोलते हैं ताल ठोक के हम आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा है, पहले बिहार को बचा ले उसके बाद प्रधानमंत्री का सपना देखेंगे, नहीं तो बिहार वाले भी कह रहे हैं कि बाबा आदित्यनाथ को हमारे यहाँ दे दो। बाबा आदित्यनाथ को मांग रहे हैं बिहार में जंगल राज, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे नीतीश बना रहे तो मेरा राज चलता रहे, गुंडागर्दी और उसके बाद क्या कहते हैं आए दिन अपहरण, आए दिन गोलियां चल रही थी बेगूसराय में अभी कुछ दिन पहले, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना कंट्रोल, जब तक हमारी यूपी की तरह कंट्रोल नहीं होगी ना, जब तक ठीक नहीं होगा बिहार, और बिहार को भी एक यूपी जैसा हमारे बाबा आदित्यनाथ चाहिए, तो बाकी सपना छोड़ दें पीएम बनने का। दादा कह रहे हैं यूपी को, बिहार को भी योगी आदित्यनाथ चाहिए क्या? सर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस कर दिया है क्या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अपने आप को, या नीतीश कुमार ने अनाउंस कर दिया है क्या? नहीं, ताल तो ठोक रहे हैं कि आने वाले समय में। सर ताल ठोकना एक चीज, सर बिल्कुल बनाती है, सुनिए भाई साहब, देश में लोकतंत्र है,
प्रधानमंत्री बनाती है वो जनता बनाती है, जनता ने तय कर दिया तो इसका मतलब लीजिए साहब कह रहे हैं कि जनता ने तय कर दिया। जनता बिल्कुल महंगाई भी कितनी होगी, बिल्कुल मोदी महंगाई सब बेच दिया जो है, क्या बेचा है, क्या क्या बेचा, पहले सही बात है क्या बेचा, आप पॉइंट पॉइंट बताओ क्या बेचा। अगर मैं आंसर नहीं देके गया ना सर यहाँ से, अगर मैं आंसर नहीं देके गया ना तो बताइएगा। हाँ क्या बेचा, क्या बेचा बताओ, क्या बेचा, क्या बेचा, छोड़ा क्या है ये बताओ, छोड़ा क्या है ये बताओ, छोड़ा क्या है ये बताओ, आप क्या ये बताओ, छोड़ा क्या है बेचने से कंपनी, एक सेक्टर का बताओ आप, छोड़ा क्या है, एक कंपनी एक सेक्टर का नाम बताओ, क्या बेचा, एक कंपनी एक सेक्टर नाम बेचा, सारा हिंदुस्तान बेच दिया, कौन सी चीज बची, पाकिस्तान को बेचा, चाइना किसको बेचा, क्या बेच दिया, क्या बेच दिया, कौन सी चीज ऐसी बची है जो छोड़ दी, कौन सी चीज, मैं बता रहा हूँ। हाँ चलिए चलिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, ये साहब बोल रहे हैं कि देश बेच दिया, क्या क्या बेच दिया बताइए, छोड़ा क्या है, मैं इनसे छोड़ा क्या है, छोड़ा क्या है, अरे सुनो तो सही, पहले ये बताओ तुम तीन आइटम बताओ जो मोदी ने बेचा है, चलो तीन जगह बताओ, एक इंडस्ट्री का नाम बताओ जो बेच दिया है, व्हाट्सएप में व्हाट्सएप वाले हैं जो व्हाट्सएप और यूट्यूब पे देख के आके और मुंह खोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, सुनो देश का लड़ना नहीं है, ये बताइए, ये बताइए क्या नहीं बेच क्या दिया, बेच क्या दिया, मनमोहन सिंह ने क्या नाम है 45 टन सोना विश्व बैंक में रखा था तब जाके भारत में लेके, आज मोदी वहां से 1,00,000 टन से ज्यादा सोना खरीद रहा है, वो नरेंद्र मोदी है, तुम बताओ ना क्या बेचा है, क्या बेच दी, रेलवे बेच दी, हाँ रेलवे बेची नहीं है, रेलवे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, बेची नहीं है, और सुनो सुनो इंडिया में ना, इंडिया ही एक देश है जहाँ रेलवे पूरी तरह से अभी तक गवर्नमेंट के हक में थी, दुनिया में कहीं भी रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, और यही रीज़न जब आप जापान का वो देते हो ना कि जापान की रेल 10 मिनट लेट होती है तो वहाँ का लेटर मिलता है एम्प्लॉयज़ को कि भाई मेरी ट्रेन लेट हो गई थी इसलिए ये लेट पहुँचा है ऑफिस, इसलिए नहीं पहुँचा कि गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आप मुझे बताओ आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाते हो, हाँ सुनो सुनो नहीं नहीं एक सेकंड सर, हाँ जब वहाँ ट्रेन में घुसने का टाइम आता है ना तो सर के ऊपर चढ़ जाते हैं लोग एक दूसरे के, मेट्रो में क्यों नहीं चढ़ते हैं, मेट्रो में भी सर पे चढ़ते हैं, राजीव चौक पे जाके देख लो आप, चलो आप चलो मेरे साथ, चलो यार सर अभी ना ये इस इससे नीचे उतरेंगे सीढ़ी से, सुनो सुनो सीढ़ी से नीचे, चलिए साहब मुद्दे से भटक रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, एक सेकंड बात पे आते हैं कि बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब से मौत हो गई है, नीतीश जी का कहना है कि मुआवजा नहीं मिलेगा, जो जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा, ये बयान नीतीश जी का है, बताइए क्या कहना है। नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी कुमार जो तेजस्वी यादव उनके पार्टी के सांसद और विधायक इनके ही मतलब एक उसमें शराब बेचा जा रहा है, खुलेआम बेचा जा रहा है, क्या गृह मंत्री कौन है ये बिहार का, नीतीश कुमार ही है ना गृह मंत्री, क्या पुलिस वहाँ खत्म हो चुकी है, खुलेआम अगर शराब बन रहा है और खुलेआम लोग पी रहे हैं खरीद के पी रहे हैं तो आप लोग कर क्या रहे हो, अगर शराबबंदी का ढोंग क्यों मचा रखा है, और अगर बिहार में कोई शराब पी के मरता तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी साहब बोल रहे कि नहीं मिलना चाहिए, साहब बोल रहे कि नहीं मिलना नहीं, मुझे मैं बस इसलिए कह रहा हूँ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये सरकार की खुद की इनकम्पिटेंसी है, सरकार की खुद की इनकम्पिटेंसी है, इसलिए नहीं सरकार नहीं दे रही है, आपका कहना है मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, रीजन मैं बता रहा हूँ, बिहार की सीमा बहुत लंबी लगती है, आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी गवर्नमेंट को अपनी पुलिस को बाकी चीज़ों को तो वो कर सकते हो ना, कंट्रोल कर सकते हो, हाँ क्यों किया आपने सरकार बंदी वो शराबबंदी, क्यों की शराबबंदी आपने, बस इसलिए की ना कि शराब मतलब उनको लगता होगा शराब अवैध है, हाँ क्या गुजरात बिहार यही 4-5 राज्य हैं जिनके लिए शराब अवैध है, बाकी लिए नहीं है, हाँ तो गलत चीज़ बना के गलत चीज़ बेच के जो मरेगा वो उसको नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, लेकिन देखिए गलत चीज़ बनाने वालों को पकड़ा भी तो जाना चाहिए, उनको सजा भी तो मिलनी चाहिए, लेकिन आपने कहा मुआवजा नहीं मिलेगा, वो इसमें गलती तो मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन ये शायद सरकार की नाकामी है कि 4-5 दिन हो गए उस चीज़ को अभी तक वो लोग पकड़े क्यों नहीं गए, नहीं स्टिंग चल रहा है लगातार न्यूज में, सर आपको लगता है आप दिल पे हाथ रख के कह दो आप एक मर्डर कर दो और कितना भी कॉलोनाइज मर्डर कर दो कितना भी दिमाग लगा के मर्डर कर दो
अगर पुलिस पीछे पड़ गई ना, हाँ तो पकड़ तो वो आपको लेगी। मैं बरेली का रहने वाला हूँ, मेरे सामने की बात है, बरेली में एक बहुत बड़ा वो इंडस्ट्रीज था जिसका बेटा के अपहरण हुआ था, है ना। चूँकि वो बड़ा था, 12 घंटे के अंदर वो लोग मारे भी गए और पकड़ भी लिए गए। दस्यू गैंग का नाम सुना होगा आपने, जो बरेली से बदायूं वाला एरिया लगता है, हाँ दस्यू गैंग को ख़त्म कर दिया ना सबने, ख़त्म हो गई ना। अगर पुलिस चाह ले ना, हाँ तो 5 से 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे में ख़त्म कर देगी चीज़ों को। 4 दिन में क्यों नहीं पकड़ पाई इन लोगों को भाई? योगी मांग रहा है, क्यों नहीं पकड़ बिहार योगी मॉडल मांग रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने सांसद और विधायकों से में शराब बेच रहे हैं, उनकी नाकामी है। और जो मरे हैं उनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए ये मुआवजा नहीं दे रहे। जब आपके अंडर पुलिस है, आपके अंडर पुलिस कानून व्यवस्था है, तो क्या वहाँ घंटा बजाने के लिए आप सरकार जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप तो कह रहे हैं मुआवजा नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं देना चाहिए, लेकिन उस पुलिस वाला जो है ना, जो उस एरिया में जहाँ पे ये हुआ है कांड, हाँ उन लोगों को सजा दो, मुआवजा भले मत दो, क्योंकि उन्हें गलत शराब भी गलत तरह से खरीद के पी। तो पुलिस तो अंडर तो उन्हीं के आती है भाई, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये बचाने वाली राजनीति चल रही है ना। मंत्रालय उसके, तो आप कह रहे हो मुआवजा ना दो, आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हो। एक तरफ कह रहे हैं वो बचा रहा है, एक तरफ कह रहे हैं मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। तो मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए जब उसके नाकामी की वजह से लोग मरे हैं, उन्होंने जहरीली शराब पी है, जहरीली शराब बिकी है उनके सत्ता में। वो सरकार ने मुआवजा दे दिया, अगर सरकार ने मुआवजा दे दिया, रोज मरते रहेंगे। सरकार ने मुआवजा देते हैं, रोज जहरीली शराब के मरते रहेंगे। जिस मतलब जिसने आत्महत्या करनी होगी वो भी मरेगा। आपका कहने का मतलब ये है, आप यार आप स्टेटमेंट तो ढंग से दो। आप बोल रही हूँ, मैं आपकी तरफ ही हूँ। मैं व्हाट टू से और व्हाट नॉट टू से, आप यार क्या बता, नहीं आपकी तरफ ही बोल रहा हूँ। नहीं आपने पहले बिल्कुल 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 आपका कहने का अंदाज ऐसा है, या तो कहने का अंदाज ही ऐसा है कि आपको आप किसी नहीं। चलिए चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने कहा कि मुआवजा नहीं देना चाहिए, तो साहब उस पर भड़क गए। बिल्कुल बिल्कुल, मुआवजा नहीं देना है क्या मतलब क्या कैसे? मुआवजा इसलिए नहीं देना है सर, देखिए मुआवजा जिसको भी मिलता है, कोई रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है, कोई बहुत बड़ा हादसा होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, मुआवजा मिलता है ना। आप किस चीज़ में मुआवजे की बात कर रहे हो? लेकिन आपने कहा कि पुलिस को सजा मिलनी चाहिए, पुलिस किसके अंडर आती है? मैं यही तो कह रहा हूँ सर भी, तो सर में आम जनता कहाँ से पिस रही है? सर मैं यही कह रहा हूँ, सर ही बोले कि गोरखपुर हो गया है ना, या और भी एरिया हो गया जहाँ से बिहार की सीमा लगती है, जहाँ से शराब आती है ना। हाँ शराब नहीं आती, शराब आती नहीं है वहाँ के, नीतीश कुमार हो या नीतीश कुमार का जो ग्राउंड है उन्हीं के लोग शराब बना